एक व्रत है, ये कोई व्रत है, ये कोई व्रत है, ये कोई व्रत है, वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये इसका केंद्र है और ये केंद्र से वर्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। वर्त के बाहर, वर्त के बाहर कोई बिंदु से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लो वर्त के बाहर यहाँ पर कोई बिंदु है, इससे खींची जाती है इस पर एक स्पर्श रेखा, और इस वर्त के केंद्र से इस बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है इसने 13 सेंटीमीटर, या आपकी दूरी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको बतानी है इस स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या बतानी है? ध्यान दो, बताया था मैंने, जहाँ पे भी स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा मिलती है कितने डिग्री कोण बनता है? यहाँ कितने डिग्री कोण? मतलब ये क्या बन गया? समकोण। इसका केंद्र ओ, इसको नाम दे दो पी और इसको नाम दे दो क्यू। यहाँ क्या लिखोगे? सी क्यू आर से। आपको ज्ञात करनी है ये पी और क्यू से, पी और क्यू से, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। कौन सी प्रमेय लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, अरे धीरे बोलो, लंब स्क्वायर। देखो कर्ण 90 डिग्री के सामने पूछा कितनी है, 13 का स्क्वायर, आधा कुछ भी कितना है, कितना है 5 का स्क्वायर, लंबा आपको करना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 169 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो चार की संख्या होगा क्या होगा, तो 169 माइनस 25, पीछे कितना बचेगा, लंब का स्क्वायर, बताओ बेटा कितना बचेगा, 100, पीछे कितना बचा, मान के और एल का एच है, स्क्वायर को किधर भेज देंगे, अंडर रूट 100 बराबर एल स्क्वायर, कितना निकलेगा 12, एल बचेगा कितना, कितना निकलेगा 12, ये लाइन कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा प्रश्न आएगा है। इसके अलावा देखो ये अगला है, दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु उस जीवा का संधिभाजन करता है। ध्यान दो इधर, आपको ये अगला क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्त है, कितने है, दो संकेंद्रीय वृत्त है कि जीवा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा यदि छोटे वृत्त को स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु उस जीवा का क्या करता है, संधिभाजन, क्या करता है, ध्यान दो, इसको मिटा दो, बताने की जरूरत नहीं है ना, ध्यान दो, दो वृत्त हैं जो कैसे वृत्त है, सकेंद्रीय, मतलब दोनों का केंद्र एक ही है, अरे भैया साहिल साले फटले चापड़ दूंगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लेने आए हो यहाँ पे, कैलाश क्या लेने आए हो यहाँ, टाइम पास करने आए हो कि सीधा बैठ, सीधा मुंह कर, उधर मुंह करके बैठा है जैसे उधर है बोर्ड। ध्यान दो, दो सहकेंद्रीय व्रत है, रिकॉर्ड हो गया इसमें, दो सहकेंद्रीय व्रत है, एक व्रत तो ये है, ये एक व्रत ठीक है, और एक व्रत ये इसके अंदर और है, ये दो सहकेंद्रीय व्रत है, बड़े व्रत की जीवा छोटे व्रत को स्पर्श करती है, ये बड़ा व्रत है, ये बड़ा व्रत, ये इसकी जीवा है, ये इसकी जीवा जो छोटे व्रत को क्या करती है, क्या स्पर्श करती है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका दोनों का केंद्र, केंद्र से क्या डाला जा रहा है, इसमें पर लंब डाल रहे, अब लंब डालेंगे यहाँ कितने डिग्री कोण मिलेगा, 90 डिग्री का कोण। तो ये कह रहा है कि ये जो लंब ये बिंदु है ये क्या करता है, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये और ये वाला भाग क्या होना चाहिए बराबर, इसके लिए क्या करेंगे, इस बिंदु को तो मिलाएंगे इससे और इस बिंदु को मिलाएंगे इससे, इससे अगर ये और ये भाग बराबर करना है
मतलब इन दोनों त्रिभुजों क्या करना होगा, सर्वांगसम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसकी सभी संगत भुजाएं और सभी संगत बाह क्या हो जाएंगे, बराबर। या नाम दे दो ओ, या नाम दे दो ए, या नाम दे दो बी, या नाम दे दो सी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ पाठ। तो दिया हुआ है, अब बताओ क्या दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वर्ग जिनका केंद्र एक ही है। लिख देना ये सारे डिटेल चार्ट में, उत्पत्ति लिखता हूँ, उत्पत्ति दिया हुआ सिद्ध करना, जो भी करना है वो तुम लिख देना, ठीक है ना। उत्पत्ति लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखोगे, आपको कितने त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं, दो। एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला, नाम देखो ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी व त्रिभुज बी ओ सी से, ठीक है ना, ए ओ सी और बी ओ सी से। एक तो ये ए ओ सी, एक बी ओ सी, कितनी चीजें बराबर करनी है, तीन। कितनी बराबर करनी है, तीन। सबसे पहले देखो इस त्रिभुज की एओ भुजा और इस त्रिभुज की बराबर है, कारण क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। देखो इधर देख लो, यहाँ एओ और इधर भी बीओ, आगे दोनों एओ और दोनों बीओ, तो कैसे लिखो, बात देखिए एओ बराबर है बीओ, कारण क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर है। दूसरी ये भुजा क्या है, दोनों में ये इस त्रिभुज में भी काम आ रही है और इस त्रिभुज में भी काम आ रही है, मतलब ये क्या है, कॉमन, कॉमन है ना, क्या लिखोगे, ओसी बराबर ओसी, कारण क्या लिखोगे, उभय निष्ठ, कारण क्या लिखोगे, उभय निष्ठ। अब तीसरी, इसका ये वाला कोण कितने डिग्री और इसका ये वाला कोण कितने डिग्री, दोनों कोण भी, नाम दे दो कोण नंबर एक कोण नंबर दो, कोण नंबर एक बराबर है कोण नंबर दो, कारण क्या लिखोगे, अब 90 डिग्री के लिए क्या लिखोगे, ओसी किस पर लंब है, एसी पर, तो इधर चाहो तो लिख दो ओसी लंब है एबी पर, इस वजह कितने डिग्री है, कितनी चीजें बराबर हो गई, नियम कौन सा लग गया, देखो ये कौन है, भुजा, फिर कौन आए, भुजा, फिर कौन आया, भुजा कौन, भुजा भुजा कौन, क्या इधर लो कौन, भुजा भुजा, क्या लिखोगे, एस एस ए, नियम, हाँ आर एच एस भी लिख सकते हो, 90 डिग्री कौन आ रहा है, आर एच एस नियम भी लिख सकते हो, एस एस नियम द्वारा, एस एस नियम द्वारा, एस एस ए नियम द्वारा, हम कह सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग समय त्रिभुज बी ओ सी, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण क्या होते हैं, मतलब एसी बराबर क्या हो जाएगी, तो लिख देंगे अतः एसी बराबर हो जाएगी, कारण क्या लिखोगे, बाय सीपी कॉरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल, यानी कि सभी सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग और सभी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ऐसा करना है आपको अगर आ जाता है तो, आया समझ में।